पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा। एक सवाल आया है जो लेवी ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर कुछ शुद्ध अशुद्ध भोजन के विषय में और आगे मेरे विचार में अध्याय 15 तक इस प्रकार कैसे जीवन जीना है, व्यक्तिगत शुद्धता के लिए क्या क्या करना है और समुदाय के लिए क्या करना है, इस प्रकार का कुछ नियम दिया हुआ है। तो किसी भाई ने सवाल किया है, इस बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ, इन लेवी ग्रंथ में लिखा हुआ, कुछ जानवर को नहीं खाना है, कुछ ऐसे ऐसे बातें दिया है, शुद्ध अशुद्धता का कुछ नियम दिया है, क्या आज भी वो लागू है कि नहीं? यदि हम लोग प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 10 को पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 10, वहां पर इसका एक सीधा सीधा एक उत्तर भी है। वहां पर कॉर्नेलियस के घर में पेत्रुस को बुलाता है। उस बुलाने के पूर्व में पेत्रुस छत पर था, वहां पर उन्हें एक स्वप्न दिखाई देता है। उस स्वप्न के अंदर उसने देखा एक चादर आकाश से नीचे उतर करके आ रहा है। पेत्रुस उस समय पर बहुत भूखा था, खाना बिनी रहा था, खाने के इंतजार में बैठा हुआ है। तब उनके उस स्वप्न के अंदर नाना प्रकार के जीव जंतु जो आया और उनको वाणी सुनाई दिया, इसको मारो और खाओ कर करके। जिस चादर के अंदर ऐसे जानवर था जो ये लेवी ग्रंथ के अंदर हम लोग पढ़ते हैं जिसको खाना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर आ रहा है खाने के लिए, उन्हें बोल रहा है पेत्रुस उठो मारो और खाओ। प्रेरित अध्याय 10 वाक्य 13 के अंदर लिखा है, और उसके अंदर सब प्रकार के चौपाए, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु, आकाश के पक्षी, ये सब उसने देखा। लेकिन पेत्रुस क्या उत्तर देता है वाक्य 14 में? पेत्रुस कहते हैं, प्रभु कभी नहीं, मैंने कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। इसका मतलब पेत्रुस भी मानते हैं लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 11 के अंदर लिखा हुआ जो अशुद्ध पशुओं पक्षियों जो कुछ है उसके अंदर, समुद्र के कुछ जानवर के विषय में है, आकाश के पक्षी है, घरेलू जो जानवर वगैरह है, ये सब जो कौन सा अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है, ये बताया है। तो यहां पर पेत्रुस बोलता है मैंने कभी ऐसे अशुद्ध चीजों को खाया नहीं, लेकिन बार बार यही आवाज आया, उठो मारो खाओ। इसके बाद वो ऊपर उठाया गया, वो नींद से उड़ते हैं। इसके बाद उन्हें कॉर्नेलियस के घर में लेकर जाते हैं। वो एक अलग मतलब था, गैर यहूदियों के घर में वचन सुनाना, उन्हें बपतिस्मा देने के लिए एक था, जिसे यहूदी लोग गैर यहूदियों को अशुद्ध मानते थे, वहां पर उनको भी शुद्ध है ये साबित करने के लिए ये दर्शन था। लेकिन मैं यहां पर इसलिए उदाहरण के तौर पर लिया, वहां पर
पेत्रुस भी कहा, नहीं प्रभु मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं ऐसा वस्तु नहीं खाया, क्योंकि मैं एक सच्चा यहूदी हूं, नहीं खा सकता है करके। तो ईश्वर ने उन्हें बताया, ईश्वर की सारी सृष्टि शुद्ध है, कोई अशुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार का ये जो शुद्ध अशुद्धता का नियम इसराइलियों को देने के पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि वे लोग कैसे जीवन जीना चाहिए, कुछ चीजों को छोड़ना, कुछ चीजों को स्वीकार करना, और उनका व्यक्तिगत पर्सनल शुद्धि, और जिन लोग टेंट में समुदाय में रह रहा वहां पर किस प्रकार साफ सफाई रखना, ये सब नियम के तौर पर उनको सिखाया गया, क्योंकि वे लोग ये सब शिक्षित लोग नहीं था। तो इसलिए कुछ चीजों को शुद्ध, कुछ चीजों को अशुद्ध। उदाहरण के लिए जो स्त्री का जो मासिक धर्म जो होता है, पुराने उस समय के अनुसार उसको अशुद्ध मानते थे, उन लोग अलग रहना है 7 दिन के बाद, फिर उनको शुद्धिकरण कर्म करना है, शुद्धता के लिए बलि अर्पित करना है, ये सब करने के बाद उनको शुद्ध मानता था। लेकिन वो नियम सब आज नहीं है, आज लोगों को मालूम है किस प्रकार इस प्रकार का रक्त स्राव से जो शुद्ध करना है, क्लीनलेस कैसे रखना है, उसके लिए क्या करना है, ये सब सीखा है, उसका क्या कारण है, ये सब सीख चुका है, इसलिए वो नियम आज नहीं आ पा रहा है। और उसी प्रकार खाने पीने में भी जो नियम है, हमारे शरीर को जो हानि नहीं पहुंचाने वाले चीजें, जो हमारे भोजन के लिए जो भी जरूरत है, हम वो खा सकता है। नए विधान के अनुसार कोई भी ऐसा भोजन को ये फलाना तुम खाना नहीं, ऐसा कर करके मना नहीं है नया विधान के अनुसार। पुराने विधान में कई चीजें जो मना किया हुआ है, आज वो नियम नहीं है। चाहे पर्सनल क्लीनलेस के लिए जो दिया हुआ नियम हो, या समुदाय के लिए जो दिया हुआ नियम हो, ये सब आज वो नियम का जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं आज मनुष्य जान रहा है किस प्रकार अपना व्यक्तिगत पर्सनल क्लीनलेस रखना है, समुदाय का, सोसाइटी का, घर का क्लीनलेस कैसे रखना है, साफ सफाई कैसे रखना है, ये मनुष्य जान रहा है, जी रहा है। इसलिए ये सब नियम जो पुराना विधान में जो दिया था, उन लोगों के लिए था जो इस पर अज्ञान लोग थे। और कई ऐसे भोजन है जिसके लिए खाने के बाद हो सकता है पाचन शक्ति उतना लोगों में नहीं हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो, या शुद्धता के लिए इन चीजों को, उन जानवरों को, उन पक्षियों को थोड़ा दूर रखना जरूरी हो, इसके लिए इस प्रकार का कुछ नियम उस समय पर बनाया। वो सब नियम आज के लिए नहीं है, वो उस अज्ञान युग के लोगों के लिए मात्र था। तो मेरे विचार में आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। शुद्ध अशुद्धता का जो भी नियम लेवी ग्रंथ 11 से लेकर के 15 तक बहुत जगहों पर पर्सनल और सोसाइटी का और खाने पीने का जो नियम बनाया हुआ है, ये सब आज के लिए नहीं है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का वचन हमें जीवन देता है, हमें तंदुरुस्त बनाने के लिए जो भी नियम दिया हुआ है उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। मनुष्य को ज्ञानी बनाता है, मनुष्य को स्वच्छ रहने के लिए सिखाता है, मनुष्य के जीवन के लिए जो कुछ जरूरत है वो सब हमें पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार मिलता है। नियम के रूप में हमें प्रभु ने दिया था, उन सभी नियमों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे बीच में जितने भी अशुद्ध जीवन है, ईसा मसीह ने सिखाया, जो खा रहा है पी रहा है वो नहीं,
बल्कि मनुष्य के अंदर से निकलने वाला उसे अशुद्ध करता है। जो अंदर जाने वाले चीज नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर से जो निकलने वाला, अर्थात मनुष्य का गंदी गंदी सोच, बुरी बातें, गंदी बातें, जो भी अशुद्ध सोच वो अंदर जो हृदय से निकल रहा है वो उसे अशुद्ध करता है। तो हमें इस प्रकार के अशुद्धता से दूर रहना, बुराइयों से दूर रहना, बुरी सोच से, बुरी बातचीत से, बुरी देख, इससे हमें दूर रहना है। हमें अशुद्ध करता है पाप, इससे हमें दूर रहना है। यह निर्णय कीजिए। जो हमारे पेट में जाता है, ईसा मसीह ने सिखाया, वो सोच में निकल जाएगा, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं कर रहा है। अनेकों लोग बर्तन को साफ करना, हाथ साफ करना, इस पर बहुत ज्यादा जोर लगाता है, लेकिन अपने आत्मा की शुद्धता को, अंतरात्मा को बचाने का, आत्मा को बचाने का, उस शुद्धता के विषय में नहीं सोचते हैं। आज नियम, शुद्धता का नियम केवल आत्मा की शुद्धता, और शरीर के साफ सफाई हम स्वयं करते हैं, जानते हैं सब लोग। हम जोर देंगे हमारी आत्मा की शुद्धता के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।